मैं नहीं तो कौन बे, बोल बोल बोल, मैं नहीं तो कौन बे, है कौन इधर, पाकिस्तान नहीं तो कौन। मना रिजवान अब नंबर वन पर नहीं है, ओके, पर ऐसा नहीं कि हमारे लड़कों में अब दम नहीं है। कौन बोला पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं है? हाँ, अब फिर से उम्मीद जगा दी यार इन लोगों ने। मतलब अबे मैं तो सो रहा था, 2 बजे सोकर उठा, मोबाइल चेक किया, पता चला पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया। अबे भाई मतलब जो टीम नीचे से टॉप पर आ रही थी वो ऊपर से टॉप पर आने लगी। मतलब इंडिया के मैच से पहले तो हम ही टॉप कर रहे थे ना यार, मतलब भाई एंड लेवल कर दिया यार, मजा आ गया। और दूसरी सबसे बड़ी खुशी, अबे नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को मार दिया। मतलब अबे हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि साउथ अफ्रीका हारेगा। मतलब मैं तो दुआएं कर रहा था कि यार किसी तरह से बारिश हो जाए, कोई मौजूदा हो जाए कि साउथ अफ्रीका हार जाए या एक एक पॉइंट मिल जाए दोनों टीमों को, तो हमारा रन रेट के हिसाब से चांस हो जाएगा ऊपर जाने का। अबे नेदरलैंड ने मार दिया यार साउथ अफ्रीका को। और बाद में वो लोग बॉबी को बोल रहे हैं कि भाई देखो हम तो जीत गए, अब तुम लोग जीत के टॉप फोर में चले जाओ। मतलब मजा आ गया ना आज। लेकिन यार अगर हम अपनी ओपनिंग की बात कर रहे थे तो ओपनिंग फिर आज हमारी स्लो थी। मतलब मैं अभी एनालिटिक चेक कर रहा था मैच के बाद, तो हमने टोटल 36 बोले डॉट खेली हैं। 36 में से 18 बोले हमने पावर प्ले में डॉट खेली है, मतलब पावर प्ले के 3 ओवर हमने डॉट कर दिए हैं। तो भाई इस तरीके से नहीं चलेगा। मतलब अब सेमीज में पहुंच गए हैं, आगे हमारे सामने न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जैसी टीम आएगी, तो हमें तैयार होकर जाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। और भाई एक बार चांस दे दो बस हारिस को ओपनिंग करवा दो, वो भी प्लीज़ यार तू थोड़ा नीचे आ जा। अब तो शाहिद भाई ने भी बोल दिया कि बाबर तुम नीचे आओ, हारिस को ओपन करवाओ। यार बंदा क्या क्लासी शॉट खेल रहा था आज भी। मतलब जब वो आया 18 बोलों पे 36 या 30 रन करके गया कोई। यार ऐसी बैटिंग चाहिए ना हमें T20 में। और सोचो जब वो पावर प्ले के 6 ओवर खेल रहा होगा शुरू में, तो क्या क्लासिकल बैटिंग करेगा। तो यार मैं तो बोलता हूँ सेमीफाइनल में हारिस और रिजवान को ओपन करनी चाहिए, बॉबी को थोड़ा नीचे आना चाहिए। खैर यार जो भी हो, अब सेमीफाइनल में पहुंच गए हम, तो अब तुम लोगों ने दोबारा से उम्मीदें जगा दी हैं। तो यार अब कब चाहिए हमें, मतलब अब जीत कर ही आना। देखो हमने उम्मीदें दबा दी थी अपनी, हम अपने काम धंधों पर लग गए थे दोबारा से, लेकिन तुम लोगों ने दोबारा हमें खींच कर ले आओ मेज क्रिकेट के मैदान में। तो अब हमें कब चाहिए, जीत कर ही आना लाजमी। तो भाई बेस्ट ऑफ लक टीम पाकिस्तान, अब सिर्फ 2 मैच रह गए, दोनों में अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। और कब इंशाल्लाह पाकिस्तान लेकर आना है, कब पाकिस्तान का है भाई ये, इस टीम का कुछ नहीं पता, ये किसी भी टीम को हरा सकती है भाई। कब इंशाल्लाह पाकिस्तान आएगा, बाकी अल्लाह रहम करेगा इंशाल्लाह। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।